दोस्तों, आज से ठीक 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल कुछ ऐसा ही था कि आयुष संजीवनी ऐप कंप्लीट डिटेल्स। आयुष संजीवनी की एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किए थे हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर हर्षवर्धन ने। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का आप लोग को कैसे इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन का क्या क्या फीचर्स है और हमारा कोविड रिलेटेड से जो आयुर्वेद का इन्फॉर्मेशन था उसको आप लोग को कैसे मिल सकता है, सब कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आप लोग को 1 बाय 1 करके समझा दिया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, आप उधर चेक कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक नोटिस आया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये सब कुछ डिटेल्स मैंने क्या क्या उन्होंने डाला है सब कुछ 1 बाय 1 करके बताऊंगा और स्पेशली मैं फोकस करूंगा कि इम्यूनिटी प्रमोटिंग आयुष मेडिसिन के बारे में। तो फिर देर किस बात का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश मन, एक नई शुरुआत आपके लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो 13 सितंबर 2020 को हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डाला है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप सबसे पहले बैकग्राउंड में कुछ पॉइंट लिखा गया है, कुछ मतलब 2 पैराग्राफ में पढ़ सकते हो कैसे होता है कोरोना वायरस, मतलब कोविड डिजीज कैसे होता है और उसके साथ जो लोग रिकवर किए हैं उनके साथ उनका कुछ साइन और सिम्टम दिख रहा होगा, जैसे कि फैटिक हो गया, कफ हो गया, शॉर्ट थ्रोट हो गया और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और जो स्कोप में जो पहला लाइन लिखा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बनाने का मकसद है कि उनके लिए होलिस्टिक अप्रोच हो सकता है जो अभी कोविड से रिकवर होकर अभी घर पर है, ठीक है। और बाद में उन्होंने उसको 3 लेवल पर डिवाइड किया है। सबसे पहला है इंडिविजुअल लेवल, जहाँ पर आप लोग को मास्क पहनना है, हैंड रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना है, गर्म पानी पीना है और सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी प्रमोटिंग आयुष मेडिसिन लेना है, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे चल के बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी उसके साथ और भी कुछ बात बोला, जैसे कि एक्सरसाइज करना है, योगासन करना है और जितना खाना आप लोग को खाना चाहिए एक संतुलित आहार उसको आपको टेक करना है। सेकंड पर है एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी पर आप मतलब पढ़ सकते हो, उसके साथ कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमको शेयर करना है और उसका ख्याल भी रखना है, उसका मेंटली जैसे कि वो फ्री रह सकता है उसके ऊपर हमको फोकस करना है, ठीक है। थर्ड लेवल पर हेल्थ केयर फैसिलिटेटिंग, इधर 4 पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हो और इसमें कोई दिक्कत होने वाला बात मुझे नहीं लगता कुछ है। और लेकिन जो आखिर में जो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इम्यूनिटी प्रमोटिंग आयुष मेडिसिन, अभी उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा गया है आप उसको पढ़ सकते हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वो लिखा गया है कि टू बी प्रेस्क्राइब्ड ओनली बाय प्रैक्टिशनर्स परमिटेड अंडर लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन और थेरेपी अंडर स्पेसिफिक स्ट्रीम। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं कुछ बोल लूँगा आप खा लोगे या आप कुछ बोल लोगे मैं खा लूँगा मेडिसिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उनके द्वारा प्रिस्क्राइब होना चाहिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस मेडिसिन में, ठीक है। और वही मेडिसिन हम लोगों ने लेंगे जो हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, यानी कि इम्यूनिटी प्रमोटिंग यानी कि रोग प्रतिशक्ति को हमारा बढ़ाएगा। तो सबसे पहला जो लिखा गया आयुष का जो उसका कॉम्पोजिशन आप लोगों को पता होगा हर्बल टी का, उसको 150 ml एक कप लेना है डेली, एक बार ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो, ठीक है। और जो सनसेन बटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आयुर्वेद का, उसको आप 1 ग्राम पर डे ले सकते हो। अश्वगंधा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 1 ग्राम पर डे मतलब ले सकते हो और आप चाहे तो अश्वगंधा पाउडर भी 1 से 3 ग्राम एक दिन में 2 बार ले सकते हो और ऐसे 15 दिन के लिए भी ले सकते हो। और जो आंवला उसको भी आप ले सकते हो, जो लिखा गया 1 से 3 ग्राम आप डेली उसको ले सकते हो। 4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी से मतलब सॉरी गर्म मिल्क में आप लोग हल्दी मिला के पीना है, सुबह पीना है, शाम में पीना है, आप रात में पी सकते हो, ज़्यादातर लोग रात नहीं पीते हैं। और गार्गलिंग विथ टर्मेरिक सॉल्ट इसको भी आप कर सकते हो। मल्टी पाउडर ड्राई कप को मतलब क्या निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राई कप के लिए, उसको 1 से 3 ग्राम गर्म पानी से आप एक दिन में 2 बार ले सकते हो, वो पहला लिखा गया है। और च्यवनप्रास काफ़ी हेल्पफुल है, च्यवनप्रास 1 टीस्पून यानी कि 5 मिलीग्राम। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको मधुमेह है या मधुमेह जैसा कुछ बीमारी है तो आप शुगर फ्री च्यवनप्रास लेना मत भूले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया। और बाद में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है मतलब पूरे जो पैराग्राफ है, इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ आयुष दैट द यूज ऑफ च्यवनप्रास इन द मॉर्निंग विथ लीक वार्म वाटर और मिल्क इज हाईली रिकमेंडेड, यानी कि जो हमारा सुबह पे हम लोगों ने क्या गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ जो हम च्यवनप्रास मिला के वो मतलब हाईली रिकमेंडेड है, ये आयुष मिनिस्टर हमको कहता है क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देखा गया है च्यवनप्रास का वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है पोस्ट रिकवर पीरियड के लिए, ठीक है। इसीलिए हमको च्यवनप्रास का टेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यही थी पूरा कंप्लीट डिटेल्स, मैंने आप लोगों को सब कुछ 1 बाय 1 करके समझा दिया और मुझे पूरा उम्मीद है मैंने इस वीडियो पर जो भी कुछ बोला सब कुछ
ठीक बोला। अगर आपको कुछ लग रहा है मैंने कहाँ पर कुछ गलत बोला, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन इस सब के बारे में अगर दिया जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अगर आपको कुछ लगा तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उस चीज़ का सही कर सकता हूँ और लोगों के पास वो सही चीज़ पहुँच सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मैंने बोला। अगर आपको कुछ लगता है तो प्लीज़ बताइएगा, और इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये चीज़ आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मैंने इस चीज़ को डाउनलोड किया हूँ, आप उधर चेक कर सकते हो, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों का रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, बाय।